तो सेक्शन 96 से हमने स्टार्ट किया था। 96 में क्या था, एजीएम कैसे बुलाई जाएगी, एजीएम का तरीका था कि एजीएम कॉल कैसे करनी है। तो क्या तरीका था एजीएम बुलाने का, बाय गिविंग नोटिस। हमने सेक्शन 101 में पढ़ लिया नोटिस का क्या है। 96 में हमने पढ़ा डे डेट टाइम वेन्यू क्या होगा, फर्स्ट एजीएम कब होगी, फर्स्ट एजीएम का टाइमिंग हमने पढ़ लिया, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सब्सिक्वेंट एजीएम कितने टाइम पीरियड में होंगी, 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्लेस हमने पढ़ा एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और सम अदर प्लेस विद इन सेम सिटी टाउन विलेज होना चाहिए। टाइमिंग हमने पढ़ी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स होनी चाहिए, दैट इज 9 to 6। अब विद इन वर्ड यूज नहीं कर सकते, विद इन बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग है तो दौरान लिखा है, मतलब कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी एंड हो सकता है, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसने लास्ट वर्ड क्या यूज किया, क्या रह गया, डे। डे कौन सा होना चाहिए, जो नेशनल हॉलीडे नहीं है वो डे होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बाद, फिर हमने सेक्शन 97 पढ़ा कि अगर डिफॉल्ट किया है एजीएम करने में तो कोई भी मेंबर किसके पास जा सकता है, एनसीएलटी के पास जा सकता है मीटिंग कराने के लिए, और एनसीएलटी डायरेक्शन दे देगा कि मीटिंग कैसे बुलानी है। 97 हो गया हमारा। 98 हमने पढ़ा कल कि अगर ईजीएम बुलानी और पॉसिबल नहीं हो रहा है क्या बुलाना, ईजीएम बुलाना, तो ईजीएम कौन कॉल कर सकता है, ट्रिब्यूनल सुओमोटो और बाय द एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर डायरेक्टर के बेसिस पे भी क्या बुलाई जा सकती है, ईजीएम का ऑर्डर इशू किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा 99 पेनल्टी क्या है, अगर आपने ईजीएम होल्ड नहीं करी है तो उसकी पेनल्टी है। फिर हमने सेक्शन 100 से स्टार्ट किया, कॉलिंग ऑफ ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ईजीएम कैसे कॉल कर रहे थे, पहला बाय बोर्ड, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट बाय बोर्ड, तो बोर्ड ही बुला रहा था दूसरे में लेकिन रिक्वेस्ट के बेसिस पे, थर्ड बाय रिक्विजनिस्ट देमसेल्फ, और फोर्थ बाय ट्रिब्यूनल। फिर हमने 101 स्टार्ट किया किसी नेट नोटिस से, नोटिस कितना टाइम पीरियड, तो सबसे पहले हमने लेंथ पे डिस्कस किया, तो इसके कंटेंट याद रखना, पॉइंट बना लो, पहला किसकी बात करी उसने, लेंथ की, दूसरा उसने कंटेंट की बात करी, तीसरा क्या होना चाहिए उसके हो गया, फिर किस किस को भेजना है नोटिस, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखो कि इसमें दो तीन हेडिंग है। तो सबसे पहले क्या था, लेंथ क्या होगी, कितने दिन की, 21 क्लियर डेज, और क्लियर डेज का मतलब दो डेट हमें एक्सक्लूड करनी है। फिर उसने बोला कि क्या शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है, तो हो सकती है, 95% की कंसेंट ले आओ तो शॉर्टर नोटिस पे भी हो गई। फिर उसने क्या बोला, कंटेंट क्या होना चाहिए, और एक एक्सेप्शन था, कौन सी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, कितने दिन का नोटिस था, 14 डेज का क्लियर नोटिस था, 14 डेज क्लियर नोटिस था। तो ये हमारा कंटेंट हमने पढ़ा। फिर कंटेंट पे आए थे, क्या होना चाहिए, डे डेट टाइम आवर, कुछ ऐसी चीजें थी जो होनी चाहिए किसमें, नोटिस में। फिर वो कह रहा था वेन्यू के साथ आपको क्या देखना है, रूट मैप, एग्जैक्ट एड्रेस भी भेजना है, रूट मैप भी भेजना है, फिर कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने हैं। तो ये चीजें हमने कल पढ़ी। फिर हमने भेजा किस किस को भेजना है, एज पर कंपनीज एक्ट तो सिर्फ 3 ही पॉइंट है, पहला मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी, सेकेंड पॉइंट ऑडिटर, और थर्ड पॉइंट डायरेक्टर। लेकिन एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 बहुत सारे लोगों को उसने गिनाया है जिन जिनको आपने नोटिस भेजना है। अब ध्यान से याद रखना इनको, क्योंकि केस स्टडी बन के आएगी, जनरल मीटिंग में से आज तक सिंपल क्वेश्चन नहीं आया है, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हमेशा केस स्टडी में पूछे गए हैं। तो केस स्टडी इसी तरह से आएगी कि आप नोटिस देना भूल गए इस पर्सन को, एक स्पेसिफाइड पर्सन लिख दिया जाएगा कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या मान लो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, और ए का नाम पहले था लेकिन बी ने आके ये बोला कि मीटिंग का नोटिस मुझे नहीं मिला, जबकि एज पर कंपनी एक्ट किसको मिलना चाहिए, नोटिस ए को ही मिलेगा ना, फर्स्ट होल्डर को। क्या उसकी कंटेंशन सही थी, क्या उसने सही बोला आके, नहीं बोला। तो इस तरह से केस स्टडी आएगी इन कंटेंट पे, जो कंटेंट दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मीटिंग का नोटिस किसको दिया जा सकता है और मीटिंग का नोटिस किसको नहीं दिया जा सकता। इतना ही किया था हमने, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन इश्यूएंस ऑफ नोटिस। अब वो नोटिस इश्यू करने के तरीके बता रहा है, कह रहा है मोड क्या है, किस किस तरीके से नोटिस इश्यू किया जाएगा या भेजा जाएगा किसको, शेयर होल्डर्स को। तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन इश्यूएंस ऑफ नोटिस, तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड दैट नोटिस शैल बी सेंड। नोटिस कैसे भेजोगे, बाय हैंड, हैंड डिलीवरी से, ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, फेजिमल मतलब फैक्स,
ईमेल और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या इसके अलावा और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीका हो जिससे हम क्या कर सके, नोटिस सेंड कर सके। तो सारी चीजें पता है, हैंड मतलब हैंड डिलीवरी, ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, कुरियर से भी भेज सकते हैं नोटिस, फिर फैक्स से भेज सकते हो, ईमेल से भेज सकते हो, या आज के टाइम पे और कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीका है तो उस तरीके से भी आप क्या भेज सकते हो, मीटिंग का नोटिस भेज सकते हो। किसको? मेंबर को। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है? जहां कंपनी कम्युनिकेट कर रही है, जहां कंपनी नोटिस भेज रही है, किस तरीके से? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, दैट इज कंप्यूटराइज सिक्योर्ड सिस्टम की मदद से आप क्या भेज रहे हो, नोटिस भेज रहे हो। तो मीन्स एनी कम्युनिकेशन सेंड बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑथराइज और सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कन्फर्मेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सच कन्फर्मेशन एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल टू रिसीव सच कम्युनिकेशन एट द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर। कह रहे कि वो कम्युनिकेशन जो कंपनी ने करी है किससे, एक ऑथराइज और सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू भेजी है, जो कैपेबल है कि कंफर्मेशन भी देगा कि सामने वाले मेंबर को क्या हो गया, नोटिस रिसीव हो गया है, और रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा इस कंफर्मेशन का कि आपने कम्युनिकेट किया था और सामने वाले को रिसीव हो गया। इस चीज का क्या करना है, ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा कम्युनिकेशन एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल टू रिसीव सच कम्युनिकेशन, और कहां भेजा जाएगा, एट द लास्ट नॉन ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर, वो ईमेल एड्रेस जो अभी लेटेस्ट में, मतलब अगर मेंबर ने पहले चेंज कराया तो फिर लास्ट में जो सबसे लास्ट में ईमेल एड्रेस वो देके गया है, उस ईमेल एड्रेस पे क्या कर देंगे, हम भेज देंगे उस नोटिस को। नोटिस शैल बी सेंड टू द मेंबर बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, नॉट बाय द ऑर्डिनरी पोस्ट इन फॉलोइंग केसेस। अभी एक्सेप्शन है, याद रखना कि इन केसेस में आप नोटिस क्या नहीं भेज सकते, ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेज सकते। अगर कंपनी क्या कर रही है, ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है, अगर आइटम ऑफ बिजनेस पोस्टल बैलेट के थ्रू होना है, अगर कंपनी क्या है, ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनरी पोस्ट कहां यूज की जा सकती है, जहां बाय हमें क्या करना है, बाय शो ऑफ हैंड वोटिंग करानी हो, या वोटिंग बाय पोल, इन दोनों केसेस में ऑर्डिनरी पोस्ट का यूज हो सकता है। जहां में वोटिंग इन दोनों तरीकों से करानी है तो यहां पे ऑर्डिनरी पोस्ट का यूज हो सकता है। इसके अलावा दो तरीके क्या बचे थे, ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट, जहां वोटिंग का तरीका ये रहेगा, कौन सा तरीका, ई वोटिंग या फिर पोस्टल बैलेट, वहां पे क्या नहीं करेंगे, ऑर्डिनरी पोस्ट से मेल, वो ऑर्डिनरी पोस्ट से जो नोटिस है वो नहीं भेजेंगे मीटिंग का। इफ ए मेंबर रिक्वेस्ट, अगर एक मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि डिलीवरी करनी है किसी पर्टिकुलर मोड से अदर देन दोज लिस्टेड अबव, ऊपर लिखे हुए किसी भी अदर मोड के अलावा, लिखे हुए के अलावा, तो ही शैल पे सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग एंड नोटिस शैल बी सेंड टू हिम इन सच अ मोड। अगर एक मेंबर रिक्वेस्ट कर रहा है किस चीज के लिए, फॉर डिलीवरी ऑफ नोटिस, कि नोटिस भेजा जाए किस तरीके से, एक पर्टिकुलर तरीके से, तो अदर देन दोज जो ऊपर लिखे हैं उनके अलावा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस मोड की फीस पे करनी पड़ेगी, तभी कंपनी उसको नोटिस भेजेगी, अदरवाइज नहीं भेजेगी। नेक्स्ट है नोटिस टू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कि नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे भेजा जाएगा। देखो नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बड़ा सिंपल सी चीज है, कि नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे आएगा, एक तो आपको मेल में लिख दिया, मेल में अटैच कर दिया जाए, पहला आपको ईमेल आएगी, ईमेल में नोटिस अटैच कर दिया, ये तरीका हो सकता है। दूसरा ईमेल में आपको एक लिंक दिया गया, इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये लिंक आपको कहां ले जाएगा, नोटिस पे ले जाएगा। या तो आप क्या करो, नोटिस के ईमेल में क्या करो, नोटिस अटैच करो, मतलब आपने हार्ड कॉपी साइन कराई, साइन करने के बाद उसको किस में चेंज किया, पीडीएफ में चेंज किया, किस में चेंज किया, पीडीएफ वर्जन में चेंज किया, और आपने नोटिस के साथ उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। या आपने मेल में एक वेब लिंक प्रोवाइड किया है, मतलब आपने लिखा कि नोटिस की मेल है और उसमें आपने कंटेंट में क्या लिखा, एक वेब लिंक प्रोवाइड किया, जिस लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, नोटिस तक पहुंच सकते हो। तो अगर आपने वेब लिंक दिया है तो वेब लिंक से नोटिस पे कैसे पहुंचना है, इसका जो मैनर है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, कहां पे, मेल में, वो भी आपको कहां लिखना पड़ेगा, मेल में लिखना पड़ेगा, वो सारा तरीका जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है,
नोटिस भेजा जा सकता है सामने वाले पर्सन को। तो नोटिस का तरीका क्या है, कौन कौन से मोड है नोटिस भेजने के? बोलो। मैं बुलवाऊं? मैनर ऑफ सेंडिंग नोटिस, नोटिस कैसे कैसे भेजना है। दोबारा बोलो क्या हो गया। नसीब में आई नहीं नोटिस देखना। ये जैसे ई वोटिंग का नोटिस है, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो चुपचाप बैठे रहो। ये नोटिस का तरीका है कि नोटिस कैसे आता है। तो ये जैसे इन्होंने नोटिस में लिख दिया कि ये नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, तो इन्होंने नोटिस पूरा का पूरा डाल दिया। इसके बाद इन्होंने जगह बताई है कि जो डॉक्यूमेंट है, ए कॉपी ऑफ दिस नोटिस एकम्पेनिंग डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके इन्होंने लिंक दे दिया, वहां से क्या कर सकते हो, नोटिस की कॉपी आप रिसीव कर सकते हो। अगर आपको क्या चाहिए, आप अगर आप ये कह रहे हो कि हमें नोटिस की प्रॉपर कॉपी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ये जैसे ये मीटिंग के नोटिस के साथ वो आया है, एनुअल रिपोर्ट एंड द नोटिस ऑफ 17th एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन। ये जैसे टाइम पीरियड इन्होंने दे दिया, और इसमें इन्होंने देखो ये दिया है कि नोटिस जो अवेलेबल है वो कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है, utimf.com पे अवेलेबल है, और कैन बी एक्सेस और डाउनलोड बाय क्लिकिंग द फॉलोइंग लिंक। इसके साथ साथ इन्होंने लिंक भी दिया है, इस लिंक से क्या हो जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे मीटिंग का नोटिस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ये मीटिंग का नोटिस है, अब नोटिस में तुमने क्या क्या पढ़ा, नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, डे डेट टाइम प्लेस होना चाहिए, तो देखो है या नहीं है। नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट कि इस मीटिंग का मीटिंग है, कब होगी, डे दे दिया फ्राइडे, डेट दे दी 27 नवंबर 2020, टाइमिंग दे दी थ्रू कौन से मोड के थ्रू वो कर रहे हैं, और कहाँ होगी, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी यहाँ पर माना गया है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, टू कंसीडर और अडॉप्ट ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेयर अ डिविडेंड, ऑथराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू फिक्स रेमुनरेशन ऑफ स्टेचरी ऑडिटर, और अपॉइंट ए डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग। यही पढ़े थे हमने मैटर, जो मैटर क्या माने थे हमने, ऑर्डिनरी मैटर्स माने थे। अब ऑर्डिनरी के बाद बचे हुए मैटर क्या कहलाएंगे, स्पेशल। तो ये सारे स्पेशल आ गए, देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 129 ये कर रहे होंगे चेंज, अप्रूवल ऑफ रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट हो रही है, तो रेजोल्यूशन कैसा, स्पेशल रेजोल्यूशन ये लिखा है ना, देखो विद और विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन लाइन लिखवाई थी ना, ये एक टू कंसीडर एंड थर्ड फिट, देखो सेम लाइन लिखी है और रिजोल्व आ गया उसने फर्दर। अपना लिखने का तरीका होता है, जैसे इन्होंने रिजोल्व को ऐसे लिखा है, तो हमने जो बुक में तरीका था उसके अकॉर्डिंग लिखा है। फिर ये देखो किसके साइन है, कंपनी सेक्रेटरी, तो कल को तुम्हारे भी हो सकते हैं अगर तुम पढ़ लोगे तो। ये तुम्हारी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आ गई। चार बिजनेस की तो हो नहीं सकती, कौन से बिजनेस की होगी, स्पेशल बिजनेस। तो स्पेशल बिजनेस के लिए जैसे
आइटम नंबर 5 6 ये सब आपको मिलेगी। ठीक है, अब रूट मैप क्यों नहीं है? क्योंकि मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस से है, वीडियो से है ना, तो आना जरूरी नहीं है। कोविड के टाइम पे किया गया था, तो इसीलिए क्या है, नोटिस में सिर्फ ये लिया है कि मीटिंग किस दिन है और आप एक्सेस कर सकते हो ये जो आपको दिया गया है। इसके अलावा आपको अबाउट डॉक्यूमेंट इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ई वोटिंग का तरीका, ये आईडी पासवर्ड है, आप ई वोटिंग घर बैठे कर सकते हो। ई वोटिंग का टाइम पीरियड कब से कब तक है ये उन्होंने दिया है। अभी धीरे धीरे हम पहुंचेंगे इन चीज़ों पे, ई वोटिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। तो ये मेल है, और मेल किससे आई है? कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से आई है। ठीक है, किसको गई है? सारे मेंबर्स को गई है जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेल आती है, उसमें नोटिस आता है आज के टाइम पे, या तो उसमें ही नोटिस क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा एज ए पीडीएफ की फॉर्म में। और पीडीएफ की फॉर्म में नहीं है तो फिर लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो नोटिस टू इलेक्ट्रॉनिक मोड, रूल नंबर 18, रूल 18 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। तो नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से कैसे भेजोगे? तो रूल 18 प्रोवाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नोटिस कैसे भेजा जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, द कंपनी मे सर्व द नोटिस इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से नोटिस सर्व किया जाएगा। ए कंपनी मे गिव नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये तो हमें पहले से ही पता है, दे सकती है। द ए नोटिस मे बी सेंड थ्रू ई मेल एज ए टेक्स्ट और एज ए अटैचमेंट टू द ई मेल। इवन आप टेक्स्ट मैसेज भी लिख सकते हो, भाई टेक्स्ट में आपने पूरा का पूरा नोटिस उतार दिया तो वो क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। दूसरा एज एन अटैचमेंट, या आप पीडीएफ अटैच कर सकते हो, और एज ए नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंक, या फिर आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन के तरीके से लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। और यूआरएल, यूआरएल ही होते ना, जैसे www. ये यूआरएल है, तो आप यूआरएल भी दे सकते हो फॉर असेसिंग सच नोटिस, कि वो ये यूआरएल से का यूज करके आप क्या कर सकते हो, नोटिस एक्सेस कर सकते हो। उसे लिखा ना, एक्सेस करके आप कंपनी की वेबसाइट पर पहुंच जाओ और वहां पे नोटिस डाला हुआ है, वहां से नोटिस ले लो। द ईमेल शैल बी एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल टू रिसीव सच ईमेल। ये जो ईमेल भेजी जाएगी उसी पर्सन को भेजी जाएगी जो क्या होगा, एंटाइटल होगा उस नोटिस को रिसीव करने के लिए, एज पर द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी और एज प्रोवाइडेड बाय द डिपोजिटरी। द कंपनी शैल गिव एन एडवांस अपॉर्चुनिटी। अब वो कह रहे कि कंपनी को, अब कोई अगर मेंबर अपनी ईमेल आईडी क्या कराना चाह रहा हो, अपडेट कराना चाह रहा हो, तो कंपनी को क्या देनी चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एटलीस्ट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू द मेंबर टू रजिस्टर हिज ईमेल एड्रेस एंड चेंजेस देयर इन, और सच रिक्वेस्ट मे बी मेड बाय दोज मेंबर्स हु हैव नॉट गॉट देयर ईमेल आईडी रिकॉर्डेड, और टू अपडेट ए फ्रेश ईमेल एंड नॉट फ्रॉम मेंबर हुज ईमेल आईडी हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये जो रिक्वेस्ट, या फिर आप रिक्वेस्ट भी रिसीव कर सकते हो किससे, उन मेंबर से जिन्होंने अभी तक अपनी मेल आईडी रजिस्टर नहीं कराई है, लेकिन चेंज के लिए तो साल में एक ही बार ऑप्शन देना है। द सब्जेक्ट लाइन, अब सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, द ईमेल शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, नोटिस ऑफ टाइप ऑफ मीटिंग, प्लेस एंड डेट ऑन विच मीटिंग इज द शेड्यूल्ड। अब सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, जब हम नोटिस, जब हम ईमेल करते हैं ना, तो ईमेल का हमें क्या बताना पड़ता है, सब्जेक्ट बताना पड़ता है। तो ये जैसे ये सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में देखो लिखा है उसने कंपनी का नाम, नोटिस किस मीटिंग का है, किस दिन है मीटिंग, कितने बजे है, सब कुछ लिखा उसने। यही कह रहा है कि जो नोटिस ऑफ मीटिंग है, जो नोटिस ऑफ मीटिंग है उसको देख के पता चल जाना चाहिए कि किस चीज का मीटिंग का नोटिस है और कौन सी कंपनी ने भेजा है। तो सब्जेक्ट मैटर ऊपर से देख के पता चल जाता है। इफ द नोटिस इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ नॉन एडिटेबल अटैचमेंट टू एन ईमेल, सच अटैचमेंट शैल बी इन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और इन ए नॉन एडिटेबल फॉर्मेट टुगेदर विद ए लिंक और इंस्ट्रक्शन फॉर रिसिप्टेंट फ्रॉम डाउनलोडिंग रेलिवेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर नोटिस आपने भेजा है कौन से फॉर्म में, नॉन एडिटेबल अटैचमेंट टू द ईमेल, जैसे पीडीएफ फॉर्म में भेजा है जिसमें क्या नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता, तो कह रहे कि अगर सामने वाले ने, अगर आपने देखो क्या किया है, लोग पीडीएफ भेजी है, या आपने पीडीएफ के अलावा और कोई वर्जन आता है, पीडीएफ के अलावा कोई और ऐसा तरीका है जिससे आप अटैचमेंट भेज सको, तो वो कह रहे कि फिर उस रेलिवेंट सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के कंप्यूटर में क्या नहीं है, अडोब रीडर ही नहीं है, पीडीएफ रीडर ही नहीं है, तो क्या पीडीएफ उसके मोबाइल में खुल जाएगी या लैपटॉप में? नहीं खुलेगी ना। तो वो कह रहे हैं कि वो रेलिवेंट सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू उस
जो अटैचमेंट है उसको ओपन किया जा सके उसके बारे में भी आपको बताना है. वेयर द नोटिस और नोटिफिकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नोटिस आर सेंड बाय द ईमेल द कंपनी शुड सिक्योर दैट इट्स यूज ए सिस्टम दैट प्रोड्यूस कंफर्मेशन. अगर आप ईमेल से भेज रहे हो तो फिर क्या होना चाहिए, ऐसे सिस्टम का यूज करना है जो प्रोड्यूस कर सके क्या कंफर्मेशन कि कितने लोगों को क्या हुई है मेल रिसीव हुई है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा सके कि किस किस को नोटिस भेजा जा चुका है. एंड ए कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड एंड एनी नोटिस ऑफ द फेल्ड ट्रांसमिशन और सब्सिक्वेंट रीसेंडिंग शैल बी रिटेन्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एज ए प्रूफ ऑफ सेंडिंग. कितनों को गया, कितनों को नहीं गया, रीजन क्या है, दोबारा भेजा नहीं भेजा, ये सारी चीजें क्या करनी है आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है. इस चीज का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है. द कंपनी ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट द ईमेल देन द कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फेलियर इन ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल. कंपनी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी अगर उसने नोटिस आपकी मेल पे भेज दिया. अब ट्रांसमिशन फेलियर अगर कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से नहीं है तो फिर वहां पे कंपनी मान लिया जाएगा कि कंपनी ने क्या कर दिया है, नोटिस सर्व कर दिया है. इफ ए मेंबर एंटाइटल टू रिसीव नोटिस फेल टू प्रोवाइड और अपडेट रेलिवेंट ईमेल एड्रेस. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर मेंबर एंटाइटल जो है रिसीव करने के लिए नोटिस फेल टू प्रोड्यूस और अपडेट रेलिवेंट ईमेल एड्रेस टू द कंपनी एंड टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज द केस मे बी द कंपनी शैल इज ए मेंबर एंटाइटल टू रिसीव नोटिस फेल टू प्रोवाइड और अपडेट रेलिवेंट ईमेल एड्रेस टू द कंपनी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द कंपनी शैल नॉट बी इनफॉल्ड. अगर आपने ईमेल एड्रेस रजिस्टर नहीं कराया तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है. द कंपनी मे सेंड ईमेल थ्रू इन हाउस फैसिलिटी और इट्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट और ऑथराइज थर्ड पार्टी एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग बल्क ईमेल फैसिलिटी. आप खुद का अपना ऐसा इन हाउस फैसिलिटी जनरेट कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रार की फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं या थर्ड पार्टी की मदद ले सकते हैं क्या करने के लिए, बल्क ईमेल पोस्ट करने के लिए. द नोट इज मेड अवेलेबल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक लिंक और URL हैज टू बी रीडेबल. कह रहे कि वो नोटिस जो आपने लिंक के थ्रू भेजा है वो रीडेबल होना चाहिए. ऐसा ना हो मैं डाउनलोड करूं और उसमें वो हिंदी में हो तो उसको सारी जगह क्वेश्चन मार्क आ जाता है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हिंदी में डॉक्यूमेंट है और आपके लैपटॉप में अगर हिंदी नहीं है तो वो उठाएगा ही नहीं उसको, वो क्या दिखाएगा वहां पे क्वेश्चन मार्क दिखाने स्टार्ट कर देगा. द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी शैल बी साइमल्टेनियसली प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड द वेबसाइट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो नोटिस है ये कंपनी को अपनी वेबसाइट पे भी रखना है और कंपनी को किस वेबसाइट पे, वो वेबसाइट जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया उस वेबसाइट पे भी मेंटेन करना है. तो ये आपका नोटिस पूरा हो गया कि नोटिस हमें कैसे भेजना है, नोटिस का तरीका क्या है. अब स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ट. स्टेटमेंट से पहले मैं अगला टॉपिक कराऊंगा, थोड़ा सा बोरिंग है स्टेटमेंट, उससे पहले हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, कोरम फॉर द मीटिंग. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरम. कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग. लिखो फटाफट, कहां लिखा हुआ है, अच्छा देख लिया. कोरम का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग. आधा ही लिखा है, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड. कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि मीटिंग को क्या बोला जा सके, एक वैलिड मीटिंग बोला जा सके. तो कह रहे कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, इसको डिवाइड किया गया है कंपनी के नेचर के बेसिस पे. अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो अलग है, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो अलग है. तो प्राइवेट में तो बड़ा सिंपल सा लिखा गया, टू मेंबर्स कैसे प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट. इस वर्ड को बहुत ध्यान से याद रखना. कोरम के लिए जब हम काउंट करते हैं तो कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए. ये भी याद रखना, प्राइवेट पब्लिक के लिए अलग है. अगर मैं कहूं किसकी बात कर रहे हैं हम, अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की तो कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 2 मेंबर पर्सनली. पर्सनली मतलब खुद से आए, पर्सनली मतलब खुद से आए और खुद से प्रेजेंट हो, उसकी बोला गया है 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द कंपनी. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे. अगर कंपनी के मेंबर्स क्या है, नॉट मोर देन 1000, मतलब अप टू 1000 अगर मेंबर हैं तो कितने लोग,
फाइव मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अप टू 1000 मेंबर हैं अगर कंपनी के, तो पांच बंदे क्या होने चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, क्या करने के लिए, मीटिंग को वैलिड कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अगर हमारे मेंबर कितने हैं, इज मोर देन 1000 बट अप टू 5000, मोर देन 1000 और अप टू 5000, तो कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 5000 से ज्यादा है, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 5000 है, तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मोर देन 5000 मेंबर्स है कंपनी के, तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग। प्रोक्सी नहीं, कौन पर्सनली प्रेजेंट, कौन होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि मीटिंग क्या है, वैलिड तरीके से हुई है। अब मान लो कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो 7500 है और कंपनी प्राइवेट है, कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, यही आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन, जो पेपर है वो यही पूछ रहा है, उसने तुम्हें क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन का जो पहला ही चीज है वो गलत लिख दी और तुम चले गए किस पे, दो नंबर पे, कि कितने प्रेजेंट होने चाहिए, दो। कहां से होंगे, एक प्राइवेट कंपनी में इतने मेंबर हो सकते हैं, तो क्वेश्चन ही गलत है, पेपर में यही करके आओगे, देख लेना। एक प्राइवेट कंपनी है, 150 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, दो या ज्यादा होने चाहिए, दो मेंबर्स क्या होने चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। पर्सनली मतलब वो खुद से आए, जब वो किसी दूसरे को अपनी जगह भेजेंगे तो उसे बोला जाता है प्रोक्सी, जब किसी दूसरे को अपनी जगह भेजेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रोक्सी। अब वो कह रहे कि अगर पब्लिक कंपनी है और कंपनी के 1500 मेंबर्स हैं, तो कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए इस केस में, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए इस केस में। अब दो चीजें समझना, अगर शेयर्स गवर्नमेंट ने ले रखे हैं तो किसके नाम पर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर शेयर्स ले रखे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर होता है, पढ़ के आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट ही है, शेयर खरीद रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर खरीद रही है तो किसके नाम पर खरीदेगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है तो पता है ये, तो शेयर होल्डर में किसका नाम लिखा जाएगा, प्रेसिडेंट का लिखा जाएगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का केस है तो गवर्नर का लिखा जाएगा। अब ये दोनों क्या है, कंपनी के, तो क्या ये कंपनी की मीटिंग में आएंगे, मीटिंग अटेंड करने, किसे भेजेंगे, ये प्रॉक्सी को नहीं भेजेंगे, ये भेजेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, जो इन्हें लीगली रिप्रेजेंट कर सकता है, या लीगली ऑथराइज्ड पर्सन को भेजेंगे। रिप्रेजेंटेटिव से तो तुम वो समझ जाओगे, ऑथराइज याद कर लो, लीगल ऑथराइज्ड पर्सन को भेजेगा ये, क्या करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए। और इस केस में क्योंकि ये तो आ ही नहीं सकता मीटिंग अटेंड करने, तो इसने जो इसे पर्सन को भेजा है ये माना जाएगा डीम्ड मेंबर। इसने जिन्हें ऑथराइज किया है, प्रेसिडेंट और गवर्नर ने जिसे ऑथराइज किया है, वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या माना जाएगा, डीम्ड मेंबर माना जाएगा। और इस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी जगह जिसे भेजा है वो क्या माना जाएगा, प्रोक्सी माना जाएगा। तो याद रखना, अगर इंडिविजुअल की बात हो रही है, नॉर्मल इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो उसने जिसे भेजा है वो क्या है, प्रोक्सी है। लेकिन प्रेसिडेंट ने अगर किसी को ऑथराइज किया है तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या है, डीम्ड मेंबर है। वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या है, डीम्ड मेंबर है। इसी तरह कोई कॉरपोरेशन है या कोई कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, अब मेंबर कौन है, कंपनी, इस कंपनी ने अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भेजा है क्या करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए। ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या माना जाएगा, डीम्ड मेंबर माना जाएगा।
ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव क्या माना जाएगा? डीम्ड मेंबर माना जाएगा, और ये जिसे अपॉइंट करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोक्सी। ये जिसे अपॉइंट करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोक्सी कहलाएगा। अब मान लो एक कंपनी में 100 मेंबर है, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए? 5। अब वो कह रहे कंपनी के मेंबर है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, प्रेसिडेंट और एबीसी कंपनी, एबीसी लिमिटेड, और इसी तरह मिस्टर डी, ई, एफ, बहुत सारे मेंबर, 100 मेंबर्स हैं कंपनी के। कंपनी की मीटिंग में 5 पर्सन प्रेजेंट है, 5 पर्सन प्रेजेंट है। कौन कौन प्रेजेंट है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, एबीसी कंपनी का भेजा हुआ मिस्टर एच और प्रेसिडेंट का भेजा हुआ मिस्टर जेड। एक और कंपनी है बीसीडी लिमिटेड, इसने भेजा है मिस्टर आई को। तो क्या कोरम प्रेजेंट है? कैसे प्रेजेंट है? ये क्या है? डीम्ड मेंबर है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? कोरम क्या है? प्रेजेंट है, क्योंकि 5 पर्सन पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। तो 5 पर्सन पर्सनली प्रेजेंट है, तो पर्सनली प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे? एक मीटिंग वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट हुई है। अब वो कह रहे कि बीसीडी लिमिटेड ने अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाया हो एच को, इसने भी एच को बनाया और इसने भी एच को बनाया, क्या 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है? है, क्योंकि ये 2 लोगों को रिप्रेजेंट करने आया, तो इसको एक काउंट नहीं करेंगे, कितने काउंट करेंगे? 2 ही काउंट करेंगे। इसको कितने काउंट करना है? 2 ही काउंट करेंगे। वो पर्सन जो एक से ज्यादा का क्या है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसे क्या काउंट करना है? उतने ही काउंट करना है जितनों का वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है। अब मान लो एक कंपनी है, इसमें 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बीसीडी लिमिटेड को और एक्स वाई जेड लिमिटेड को। एक मिस्टर एफ है, ये प्रोक्सी है, और एक मिस्टर एच है, ये भी प्रोक्सी है। क्या मीटिंग में कोरम है? क्यों नहीं है? कितने प्रेजेंट हैं? 4 ही प्रेजेंट है, 5 तो नहीं है। क्यों? 5 हैं, ए, बी, सी, एफ, एच, इनको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये लोग क्या हैं? प्रोक्सी हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, तो 4 हुए। मान लो मिस्टर ए क्या है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है ए बी सी का, बी सी डी का, ई एफ जी, एच आई जे, इन सब का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर ए है, क्या कोरम प्रेजेंट है? कोरम प्रेजेंट है? हां वाले हाथ खड़े करना। और कोरम प्रेजेंट नहीं है? कोरम प्रेजेंट कितने लोग होने चाहिए कोरम के लिए? कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए जो फिजिकली प्रेजेंट हों। तो ये तो अकेला 5 का है, आके क्या बात करेगा? एक जगह बैठेगा, भले एबीसी का बैठा हूं, दूसरी जगह जाके बैठेगा, भले बीसीडी का, फिर तीसरी जगह जाके बैठेगा। तो 2 तो कम से कम पर्सनली प्रेजेंट हो, तो ये चाहे 5 का बने चाहे 50 का बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और पर्सन होना चाहिए जो फिजिकली प्रेजेंट हो, पर्सनली प्रेजेंट, प्रोक्सी नहीं, दूसरा पर्सन भी क्या होना चाहिए? पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। ये फिर चाहे 10 का बने चाहे कितने का बने, हम कोरम में काउंट जरूर करेंगे, लेकिन 2 लोगों का होना तो जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे किस चीज के? कोरम के। आओ फटाफट टॉपिक पे। हाँ, तो 2 कैपेसिटी में है ना, एक खुद की कैपेसिटी है, एक दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव है, तो 2 गिनेंगे उसे। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ इन्हीं का बन सकता है जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कॉरपोरेशन। ये आपका सेक्शन 112, सेक्शन 113 भी साथ में कराया है। सेक्शन 103 के साथ साथ सेक्शन 112 और सेक्शन 113, 3 सेक्शन हो रहे हैं।
वेयर द कोरम प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल इज हायर, अगर कोरम जो प्रोवाइड है कहां पे आर्टिकल में वो क्या है हायर है, वो ज्यादा है, देन दैट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, तो कोरम शैल बी कंफर्म टू सच हायर रिक्वायरमेंट। तो अगर कंपनी के आर्टिकल में ज्यादा कोरम है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वाला कोरम प्रेजेंट करना पड़ेगा। मेंबर्स नीड्स टू बी पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग टू कॉन्स्टिट्यूट ए कोरम, प्रोक्सी शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द कोरम, प्रोक्सी को तो काउंट ही नहीं करना है किसमें, कोरम में। कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नो कोरम, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या देखने को मिलेंगे, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे, मीटिंग क्या हो जाएगी एडजर्न हो जाएगी, मीटिंग क्या हो जाएगी एडजर्न। लेकिन अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है और मीटिंग किसने बुलाई थी, रिक्विजनिस्ट ने खुद से बुलाई थी और वहां पे भी क्या प्रेजेंट नहीं है कोरम, तो क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगी। क्या बात है, याद है, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग ए मीटिंग, द मीटिंग शैल एडजर्न टू द सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, और अगर दूसरी जगह है तो वो भी बता देंगे। वैसे तो जनरली क्या बोला जाएगा, अगले हफ्ते में जाएगी, सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे, ये सब चीजें। लेकिन अगर मीटिंग किसने बुलाई थी, रिक्विजनिस्ट ने बुलाई थी, तो वो क्या हो जाएगी कैंसल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कैंसल हो जाएगी। अगर एडजर्न मीटिंग में भी, एक टॉपिक छोड़ के आ रहा हूं नोटिस के बाद, नो कोरम इन द एडजर्न मीटिंग, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, तो जितने मेंबर प्रेजेंट है नॉट लेस देन टू, तो वहां कह रहे हैं कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट है नॉट लेस देन टू, क्या मान लिया जाएगा कि कोरम प्रेजेंट है, कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिर चाहे पांच से कम है, अगर हमारा कोरम पांच का था, वो कह रहे हैं फिर चाहे एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आता है तो फिर जितने मेंबर प्रेजेंट है उन्हीं को क्या मान लिया जाएगा, कोरम मान लिया जाएगा, लेकिन वो नंबर किससे कम नहीं होना चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए। अब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पे आओ एक बार, क्योंकि वो जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो यहां लिखे हैं। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन कोरम, कोरम प्रेजेंट होना चाहिए नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट बट आल्सो व्हाइल ट्रांजैक्टेड बिजनेस। अब इस चीज को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि केस दो तीन बार आ चुके हैं इस चीज पे, कि कोरम क्या सिर्फ मीटिंग के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होना चाहिए या पूरी मीटिंग के दौरान जब भी हम कोई नोट जो कोई भी मैटर डिस्कस करेंगे तब प्रेजेंट होना चाहिए। वो कह रहा है कि हर टाइम कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, ना सिर्फ मीटिंग के स्टार्टिंग में, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कोरम जरूरी है, मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कोरम जरूरी है, इसी तरह कोई बिजनेस डिस्कस करने के लिए भी क्या जरूरी है, कोरम जरूरी है। कंपनीज एक्ट में ये चीजें नहीं थी, तो पहले क्लैरिटी नहीं थी इस चीज के ऊपर, बाद में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बने तो क्लैरिटी दी गई कि जो कोरम है ना सिर्फ स्टार्टिंग में बल्कि हर टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, एंड नहीं उस टाइम पे जिस टाइम पे हम मैटर क्या कर रहे हैं ट्रांजिट कर रहे हैं, आखिरी में कोई बचे ना बचे क्या फर्क पड़ रहा है, यही होता है ना मंदिर, वो मंदिर में आरती होती है तो स्टार्टिंग में सारे प्रेजेंट होते हैं, धीरे धीरे सारे गायब हो जाते हैं, तो आखिरी में क्या आरती खत्म नहीं होती है, तो ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, हाँ तू तो प्रसाद लेने ही जाती है, ए ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसका, बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेजिडेंट, तीसरा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर, क्या माना जाता है डीम्ड मेंबर माना जाता है, और कैसा पर्सनली प्रेजेंट, ये वही लाइन दी है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसका, किसी बॉडी कॉर्पोरेट का, किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ ए स्टेट, उसे क्या माना जाएगा डीम्ड मेंबर माना जाएगा और पर्सनली प्रेजेंट में काउंट करेंगे, और वो सारे राइट इंजॉय करेगा जो किसे मिलते हैं, मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन को मिलते हैं, मतलब वो वोटिंग में हिस्सा ले सकता है। वन पर्सन कैन बी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन वन बॉडी कॉर्पोरेट, एक पर्सन क्या बन सकता है, एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। अब ये मत कह देना एक से ज्यादा प्रेजिडेंट का, क्योंकि प्रेजिडेंट एक ही है देश का। इन सच ए केस ही इज ट्रीटेड एज मोर देन वन मेंबर, तो इस केस में क्या माना जाएगा, एक से ज्यादा मेंबर मानेंगे प्रेजेंट इन पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ द कोरम। हाउएवर, लेकिन ये नहीं है कि वो पांच का है तो हमने पांच में कोरम में काउंट कर लिया, क्या होना चाहिए, एक अदर मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। हाउएवर टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग एटलीस्ट टू इंडिविजुअल, कम से कम दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होने चाहिए कहां, इन पर्सन।
Thus, in case of public company, not more than 1,000 shareholder members with a quorum requirement of 5 members, an authorized representative of 5 body corporate cannot form a quorum by himself, but he can do so if at least one more member is personally present. ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी अभी तुम्हें कराया है, ये वही एग्जाम्पल है कि अगर मीटिंग है और 1,000 से कम मेंबर है, कितने का कोरम चाहिए? पांच। और अगर कोई पांच बॉडी कॉर्पोरेट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो हम कोरम तभी मानेंगे जब उसके अलावा कोई और अदर मेंबर भी क्या है, पर्सनली प्रेजेंट है। ठीक है, वो कह रहा है कि एक मेंबर जिसने वोटिंग करी है बाय रिमोट ई वोटिंग हैव द राइट टू अटेंड द मीटिंग। एक मेंबर जिसने घर बैठे वोट किया है, तो घर बैठे वोट किया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मीटिंग में जा नहीं सकता। मीटिंग में जाके क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं कर सकता, क्योंकि अपना उसने वोटिंग राइट कैसे एक्सरसाइज कर लिया, ई वोटिंग के तरीके से कर लिया, लेकिन मीटिंग में तो प्रेजेंट हो सकता है। कोरम में भी काउंट करेंगे क्योंकि रेजोल्यूशन में नहीं बोल सकता, लेकिन कंपनी का मेंबर तो है ही है। यही कह रहे, इसको अच्छे से याद रखना। तो मेंबर जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग से वोट किया है, उनके पास राइट है अटेंड करने का और उन्हें काउंट भी किया जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन गुजारने, उसने इसी तरह के पॉइंट्स देने हैं उन्होंने। ए मेंबर हु इज नॉट एंटाइटल टू वोट ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस। एक मेंबर जो क्या नहीं है, एंटाइटल नहीं है क्या करने के लिए, किसी पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस बींग ए रिलेटेड पार्टी। आप एंटाइटल नहीं हो किस चीज के लिए, अगर आप किसी मैटर में इंटरेस्टेड हो, मतलब मैटर क्या है, रिलेटेड पार्टी मैटर है, और अगर कोई उसमें क्या है, इंटरेस्टेड है, तो उसे क्या नहीं करना, उसे वोट नहीं करना है, लेकिन काउंट तो किया जाएगा ना फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये केस स्टडी है सारी, ये सारी ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं केस स्टडीज हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे तो केस स्टडी बननी है। वहां सीधा तो नहीं लिखा होगा, वहां क्या होगा, एबीसी लिमिटेड, ये लिमिटेड, वो लिमिटेड, उसने ये किया, उसने वो किया, इस तरह से आएगा। द स्टिपुलेशन रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ कोरम डज नॉट अप्लाई इन विद रिस्पेक्ट टू आइटम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। कह रहे कोरम की रिक्वायरमेंट वहां नहीं है जहां मैटर किस तरह से डिसाइड हुआ है, पोस्टल बैलेट से डिसाइड हुआ है, वहां कोरम की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। नोट में केसलो में क्या दिया, द वर्ड पर्सनली प्रेजेंट का मतलब किसकी बात नहीं कर रहे हैं, प्रोक्सी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है किसी बॉडी कॉर्पोरेट का अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 113, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेजिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर सेक्शन 112 इज ए मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। बोला था ना, डीम्ड मेंबर माना जाएगा और पर्सनली प्रेजेंट उसे काउंट करेंगे। इफ टू और मोर कॉर्पोरेट बॉडीज हु आर ए मेंबर ऑफ ए कंपनी आर रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल इंडिविजुअल, मतलब दो बॉडी कॉर्पोरेट ने सिंगल पर्सन को क्या भेजा, अपना लीगल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है, तो इसे हम क्या करेंगे, विल बी ट्रीटेड दैट पर्सनली प्रेजेंट है वो दोनों का ही, तो दो काउंट कर लेंगे। ईच ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट विल बी ट्रीटेड एज पर्सनली प्रेजेंट बाय द इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग इट। If, for instance, he represents three body corporate, his presence will be counted as a three member being present in a person for the purpose of quorum. If it has been held in Scottish case that one individual may count as a more than one member if he attend the meeting in more than one capacity. तो यही तो किया है ना, अगर एक member एक से ज्यादा capacity में आ रहा है तो हम उसे treat भी क्या कर रहे हैं, more than one member treat कर रहे हैं, एज ए मेंबर होल्डिंग शेयर इन इज ऑन राइट और एज ए मेंबर एंटाइटल टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रस्ट होल्डिंग। दोनों के केसेस में आ रहा है, ट्रस्ट के बिहाफ पे भी आ रहा है और खुद की कैपेसिटी में भी आ रहा है, तो क्या ट्रीट किया है, दो पर्सन ट्रीट कर लिया उसे। ठीक है, नीचे केस लो है, आज फटाफट इलस्ट्रेशन दिया है उसने, एक आध पेज छोड़ के इलस्ट्रेशन है, अगले पे होगा, कोई नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एक्साइज एड लिमिटेड हैविंग 700 मेंबर, तो सबसे पहले बताओ 700 मेंबर कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, पांच। प्रिस्क्राइब फॉर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट, अब वो कह रहे कि उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि उनके आर्टिकल में लिखा है कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 7। तो एज पर कंपनीज एक्ट कितने होने चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कितने, तो कितने पढ़ा था ना, अगर आर्टिकल में हायर लिखा है तो फिर आपको हायर वाले देखने पड़ेंगे। अब वो कह रहे कि फॉलोइंग आर द स्टेटस ऑफ प्रेजेंट पर्सन इन द जनरल मीटिंग ऑफ एक्स वाई जेड टू कंसीडर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, तो वो मैटर किसी भी चीज के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कोरम किनने से मतलब है। चेक द कोरम ऑफ द मीटिंग, मिस्टर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, तो ए पर्सनली प्रेजेंट है या प्रोक्सी है,
पर्सनली प्रेजेंट, तो एक मेंबर हो गया। मिस्टर बी और सी आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, काउंट करेंगे नहीं करेंगे? काउंट करेंगे नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? अरे मेंबर है लेकिन वोट तो दे ही नहीं सकता, जब उसका इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं हो रहा तो फिर क्यों करना है? नोटिस का मीटिंग, मीटिंग का नोटिस भेज सकते हैं जब उसके पास बोलने का राइट ही नहीं है। जब उसके पास मीटिंग में आके बोलने का राइट ही नहीं है तो हम उसे कोरम में काउंट क्यों करेंगे? कोरम का मतलब है कौन से इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास राइट टू वोट है, जो एंटाइटल है किस चीज के लिए? वोट करने के लिए। क्या इनसे उनका कोई राइट इफेक्ट हो रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का? बोले एमडी अपॉइंट होते ही तुम्हारे सबके प्रेफरेंस शेयर खा जाएगा, ऐसा हो सकता है? वे कुछ कर देगा जिससे तुम्हारा राइट इफेक्ट हो? तो एमडी के अपॉइंटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए क्या नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को काउंट नहीं करेंगे। याद रखना ये मेंबर है सिर्फ नोटिस लेने के लिए, नोटिस रिसीव करने के लिए मेंबर है, ये मेंबर कोरम के नहीं है, इनको काउंट नहीं करना है। मिस्टर डी रिप्रेजेंटिंग ए बी सी और एक्स वाई जेड, कितने लोग प्रेजेंट हैं? ई एफ जी एच आर प्रोक्सी और शेयर होल्डर, तो कोरम कितना है, प्रेजेंट है या नहीं है? हमें तो कितने चाहिए थे, तो सात में से तो तीन ही प्रेजेंट है। तो आंसर देखो यही लिखा है, पहले को काउंट करेंगे डीम्ड मेंबर, दूसरा पढ़ो दूसरा फटाफट अपने आप से। इसमें वोट के लिए एंटाइटल नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वोट कहां मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? ये वो कह रहा है कि जिसने अपना ई वोटिंग वगैरह एक्सरसाइज कर लिया वो मीटिंग में एंटाइटल नहीं है वोट करने के लिए। जैसे मान ले तूने घर बैठे वोट कर दिया और मीटिंग में भी चली गई, तो वहां तू एंटाइटल नहीं है वोटिंग के लिए, लेकिन एज ए मेंबर तू मीटिंग तो अटेंड कर सकते है और कोरम में भी काउंट। पर्टिकुलर आइटम लिखा है, पूरा तो पढ़ ले। किसी पर्टिकुलर आइटम, मान लो कंपनी में छह बिजनेस होने हैं, छह बिजनेस में से एक बिजनेस मेरी रिलेटेड पार्टी के साथ है, मतलब मैं उस दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, मैं इस कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, तो रिलेटेड पार्टी आ गई, वो कह रहे कि अगर तुम मेंबर भी हो तो तुम क्या नहीं हो, एंटाइटल नहीं हो, क्या करने के लिए, वोट करने के लिए उस मैटर पे जिसमें तुम पर्सनली इंटरेस्टेड हो, तो आधी बात बताओगे तो आधा ही आंसर आता है। आ गया भाई समझ में? आओ वापिस ऊपर। नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग, नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग, एडजर्न मीटिंग का नोटिस क्या भेजना जरूरी है? अब देखो एडजर्न मीटिंग हमने पढ़ा अगले वीक में होगी, नेक्स्ट वीक में होनी है, सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे, सिर्फ वीक क्या हो गया है, सिर्फ वीक ही तो बदला है, सिर्फ वीक को चेंज किया है, इस वीक की बजाय अगले वीक में कर दिया है, लेकिन जगह सेम है टाइम सेम है, तो क्या मेंबर को बताना जरूरी है? जरूरी है, मेंबर को बताना जरूरी है, चाहे आपने बोल दिया कि मीटिंग एडजर्न हो गई अगले हफ्ते होगी, तो भी बताना जरूरी है कि मीटिंग कब होगी और कैसे होगी और किस तरीके से होगी। तो वेयर द मीटिंग स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट सेम टाइम और प्लेस टू सच अदर डे नॉट बीइंग ए नेशनल हॉलीडे और सच अदर टाइम और प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन, चाहे सेम टाइम पे हो सेम प्लेस पे हो अदर प्लेस पे हो अदर टाइम पे हो, कंपनी शैल गिव एटलीस्ट थ्री डेज नोटिस, कितना, कम से कम तीन दिन का नोटिस देना है किसको, मेंबर्स को, आइदर इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट इन द ट्यू न्यूज पेपर विच इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। ठीक है, तो कह रहे कि चाहे एडजर्न मीटिंग अगले हफ्ते में होनी, आपको पता है लो में, लो आपने पढ़ा है, मेंबर ने तो नहीं पढ़ा, आपने तो बोला मीटिंग एडजर्न हो गई, मेंबर ने पूछ लिया बोले कब होगी, आपने उसे ऐसे ही बता दिया, तो कंपनी लो ने बोला ऐसे ही नहीं बताना है, क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा, या तो नोटिस दे दो प्रॉपर, या फिर क्या करो, या फिर एडवर्टाइजमेंट दे दो, या तो फिजिकली नोटिस दे दो या फिर क्या कर दो, एडवर्टाइजमेंट कर दो इन ट्यू न्यूज पेपर विच इज इन सर्कुलेशन एट प्लेस वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज अ सिचुएटेड।
अब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं एडजर्न मीटिंग पे, वो आप सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन एडजर्न मीटिंग पैरा 15.1 प्रोवाइड दैट एक ड्यूली कन्वीन मीटिंग शेल नॉट बी एडजर्न अनलेस द सर्कमस्टांसिस वॉरेंट। एक मीटिंग तब तक एडजर्न नहीं की जा सकती जब तक ऐसे सर्कमस्टांसिस ना आ जाए जिनके अकॉर्डिंग मीटिंग एडजर्न करना जरूरी लगे। द चेयरमैन मे एडजर्न, चेयरमैन चाहे तो एडजर्न कर सकता है किसी मीटिंग को विद द कंसेंट ऑफ मेंबर एट विच कोरम इज प्रेजेंट। तो अगर कोरम प्रेजेंट है तो भी क्या की जा सकती है, मीटिंग एडजर्न की जा सकती है। और एंड शैल एडजर्न ए मीटिंग इफ सो डायरेक्टेड बाय द मेंबर्स। तो पहली चीज क्या पढ़ी कि चेयरमैन चाहे तो मेंबर्स की कंसेंट से चाहे कोरम प्रेजेंट है तो भी मीटिंग को क्या कर सकता है, एडजर्न। दूसरा क्या कह रहे हैं, अगर मीटिंग एडजर्न हुई है क्योंकि रिक्विजिट कोरम नहीं था, क्योंकि रिक्विजिट कोरम नहीं था, द चेयरमैन मे आल्सो एडजर्न ए मीटिंग इन द इवेंट ऑफ डिसऑर्डर और अदर लाइक कॉजेज व्हेन इट बिकम इम्पॉसिबल टू कंडक्ट द मीटिंग और कंप्लीट इट्स अ बिजनेस। तो मीटिंग एडजर्न हो सकती है कोरम के लिए भी, या मीटिंग एडजर्न हो सकती है किस चीज के लिए, कोई ऐसा रीजन जिसके वजह से इम्पॉसिबल हो जाए क्या करना, मीटिंग कन्वीन करना, मीटिंग होल्ड करना। इफ ही मीटिंग इज एडजर्न सैन ए डे और फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days और मोर, इसका मतलब है वही वो नेक्स्ट वीक में चली जाएगी सेम डे, ये इसका जो मतलब है वही है, मतलब अगले हफ्ते में चली गई सेम टाइम सेम प्लेस और सेम डे, तो उसे बोला गया है साइन डे। एंड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days और मोर, या फिर 30 दिन या उससे ज्यादा के लिए एडजर्न हुई है, एक नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग आपको देना है इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन कंटेंट हियर इन रिलेटिंग टू द नोटिस। तो नोटिस का जो तरीका है वो कैसा रहेगा, उसी तरीके से रहेगा जैसा आपको नोटिस 101 में पढ़कर आयो, 21 clear days का नोटिस। इफ मीटिंग इज एडजर्न फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 30 days द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस स्पेसिफाइंग द डे। ये वही चीजें आ गई जो ऊपर अभी अभी पढ़ के आयो। या फिर क्या करो, एडवर्टाइजमेंट इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट और इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट। इफ ए मीटिंग एट अदर देन द एजीएम एंड ए रिक्विजनिस्ट मीटिंग स्टैंड एडजर्न फॉर द वॉन्ट ऑफ कोरम द एडजर्न मीटिंग शैल बी हेल्ड ऑन सेम डे इन नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस और सच अदर डे और एट सच अदर टाइम और प्लेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। तो कह रहे हैं अगर एक मीटिंग एजीएम नहीं है या रिक्वेस्ट वाली मीटिंग नहीं है उसको छोड़ के है तो मीटिंग क्या होगी, अगर एडजर्न हुई है तो अगले हफ्ते में हो जाएगी सेम डे इन द नेक्स्ट वीक सेम टाइम प्लेस और सच अदर डे। रेजोल्यूशन पास एट एडजर्न मीटिंग, अगर कोई रेजोल्यूशन आपने पास किया है कौन से तारीख पे, एडजर्न मीटिंग पे, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है कौन सी मीटिंग में, एडजर्न मीटिंग में, तो क्या माना जाएगा, किस दिन पास हुआ है, मीटिंग में या एडजर्न मीटिंग में, मीटिंग में या एडजर्न मीटिंग में, मतलब ओरिजिनल मीटिंग की डेट पे या एडजर्न मीटिंग की डेट पे, दो ऑप्शन है, या तो ओरिजिनल डेट या एडजर्न डेट। ओरिजिनल पे तो हुआ ही नहीं था, किस पे हुआ है, एडजर्न पे हुआ है, तो जिस दिन एक्चुअल में पास हुआ है उसी दिन मानेंगे। तो वेयर ए रेजोल्यूशन इज पास एट द एडजर्न मीटिंग ऑफ ए कंपनी और होल्डर ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द रेजोल्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज पास ऑन द डे ऑन विच एक्चुअली पास नॉट ऑन अर्लियर डे। तो इसका मतलब माना जाएगा किस दिन पास हुआ है, एडजर्न मीटिंग की डेट पे पास हुआ है, ना कि किसी अर्लियर डेट पे पास हुआ है। किस दिन माना जाएगा, डीम टू हैव बीन पास ऑन द डेट ऑफ द एडजर्न मीटिंग एंड नॉट ऑन अर्लियर डेट, अर्लियर डेट पे नहीं माना जाएगा कि अर्लियर डेट पे पास हुआ है। ये रेजोल्यूशन हो गया, हमने स्टार्ट किया था आज क्या, कोरम। तो कोरम कितना होना चाहिए, 5 members पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए किसी भी मीटिंग को, वैलिड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अब वो कह रहे कि अगर प्राइवेट है तो 2 member पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए और पब्लिक है तो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर नंबर ऑफ मेंबर मोर देन क्या है, 1000 है तो कितने मेंबर्स, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 1000 और अप टू 5 है तो 15 और मोर देन 5 है तो 30 मेंबर्स क्या होने चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। और एडजर्न मीटिंग कब होती है, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। और उस मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं है तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं नॉट बीइंग लेस देन 2 कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग। अगर रिक्विजनिस्ट वाली मीटिंग थी तो
कैंसल ही हो जाएगी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है। नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग कितने दिन का? एटलीस्ट 3 डेज। एटलीस्ट वर्ड यूज करना है, एटलीस्ट 3 डेज नोटिस या फिर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, वो भी एटलीस्ट 3 डेज प्रियोर ही होगी, वो भी एटलीस्ट 3 डेज प्रियोर ही होनी है। अगर एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं है तो हो गया। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? कोरम ना सिर्फ कमेंसमेंट में चाहिए बल्कि किसी भी बिजनेस को ट्रांजिट जब कर रहे हैं तब क्या होना चाहिए? कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर है प्रेसिडेंट का तो उसे क्या मानेंगे? डीम्ड मेंबर मांगेंगे। और क्या मानेंगे? वो क्या है? पर्सनली प्रेजेंट है। अगर गवर्नर का है या बॉडी कॉर्पोरेट का है, इन सबको क्या मानना है? डीम्ड मेंबर ही मानना है और पर्सनली प्रेजेंट मानना है। अगर आप 5 से ज्यादा कॉर्पोरेट के हो या 10 कॉर्पोरेट के हो तो क्या मानेंगे? कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट? 5 या जितने भी हैं उतनों जितनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड मेंबर वहां पे होना चाहिए। अगर रिमोट ई वोटिंग से आपने वोट कर दिया, क्या एंटाइटल हो मीटिंग अटेंड करने के लिए? यस, तब भी एंटाइटल हो क्या करने के लिए? मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या काउंट किया जाएगा कोरम में? यस, कोरम में काउंट भी किया जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो स्टिपुलेशन है कि प्रेजेंस ऑफ कोरम्स कब रिक्वायर्ड नहीं है, जब रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हुआ है किससे? पोस्टल बैलेट से, तो उस केस में रिक्वायर्ड नहीं है। रिलेटेड पार्टी है तो उसे काउंट किया जाएगा कोरम में? कोरम में तो काउंट करेंगे, याद रखना है, रिलेटेड पार्टी भी है तो कोरम में तो काउंट करेंगे, लेकिन वोट करने के लिए आप एंटाइटल नहीं हो। तो 112 और 113 भी आपके बीच में कवर हो गए। एडजर्न मीटिंग के रिगार्डिंग सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या कह रहे हैं कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो भी क्या हो सकता है? एडजर्न हो सकती है, और मेंबर के कहने से भी क्या हो सकता है? एडजर्न, लेकिन उस केस में चेयरमैन के पास पावर है करे या ना करे। अब वो कह रहे हैं कि अगर 30 डेज से ज्यादा के लिए हो रही है तो प्रॉपर नोटिस देना है, कौन से वाला? 21 क्लियर डेज वाला। लेस देन 30 डेज है तो कितने दिन का? एटलीस्ट 3 डेज का आपको नोटिस देना ही देना है। अब वो कह रहे हैं कि अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है कौन सी मीटिंग में? एडजर्न मीटिंग में, तो पास मानेंगे कौन सी डेट पे? एडजर्न मीटिंग में, नॉट ऑन द अर्लियर डेट। एग्जाम्पल तो समझ में आ ही गया होगा कि मेंबर अगर पर्सनली प्रेजेंट हो या ना हो। अब आगे देखना, 112 113 लिखे हैं क्या? यस, निकालना 112 113, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर इन द मीटिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एट ए मीटिंग ऑफ द कंपनीज ऑफ द क्रेडिटर। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर मेंबर हैं तो वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को एज ए थिंक फिट टू एक्ट एज ए हिज रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग ऑफ कंपनी और एनी मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो जनरल मीटिंग में भी आप क्या भेज सकते हो? अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो, जैसे क्या कहेंगे? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। या फिर किसी भी क्लास मीटिंग के लिए भी आप क्या भेज सकते हो? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो। एक जो पर्सन अपॉइंट हुआ है, इस पर्सन को क्या मानेंगे? डीम्ड मेंबर मानेंगे, और ये जो डीम्ड मेंबर है ये भी एंटाइटल है एक्सरसाइज करने के लिए वो सारे राइट्स और पावर जो मेंबर के पास है, जैसे राइट टू वोट बाय प्रोक्सी, पोस्टल बैलेट। एज द प्रेजिडेंट और गवर्नर कूड एक्सरसाइज एज ए मेंबर ऑफ कंपनी, जैसे प्रेजिडेंट और गवर्नर खुद एक्सरसाइज कर सकते थे, वैसे ही ये मेंबर जो हमने क्या है, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हमने भेजा है, ये एक्सरसाइज कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉरपोरेशन एट द मीटिंग ऑफ कंपनीज ऑफ द क्रेडिटर, ए बॉडी कॉरपोरेट वेदर ए कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट और नोट। चाहे वो कंपनी है या चाहे वो LLP है या चाहे वो ट्रस्ट है जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में फॉल करता है, वो क्या कर सकता है? मे, इफ इट इज ए मेंबर, अगर बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है तो बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अदर गवर्निंग बॉडी। तो अगर कॉरपोरेशन दूसरी कॉरपोरेशन की मेंबर है तो पहली कॉरपोरेशन जो मेंबर है वो क्या करेगी? वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज करेगी किसी पर्सन को क्या करने के लिए? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम करने के लिए, और एट एनी मीटिंग ऑफ कंपनी और मीटिंग ऑफ द क्लास ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इफ इट इज ए क्रेडिटर, अगर वो क्या है? क्रेडिटर है, इंक्लूडिंग ए होल्डर ऑफ द डिवेंचर ऑफ ए कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ एक्ट, बाय रेजोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर और अदर गवर्निंग बॉडी ऑथराइज सच पर्सन एज इज थिंक फिट टू एक्ट एट इट्स रिप्रेजेंटेटिव एट द मीटिंग ऑफ द एनी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी
held in persons of this act or rules made thereunder, or in persons of provision contained in any debenture or a trust deed as the case may be. अगर वो मेंबर है तो वो ऑथराइज कर सकता है मेंबर वाली मीटिंग अटेंड करने के लिए. अगर वो क्रेडिटर है तो अगर क्रेडिटर की कोई मीटिंग रखी गई है, अगर क्रेडिटर की कोई मीटिंग रखी गई है तो उस क्रेडिटर की मीटिंग के लिए क्या कर सकता है, ऑथराइज करके भेज सकता है. क्योंकि सामने वाली भी कंपनी है तो ऑथराइजेशन या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके करेंगे या किसी भी और एग्रीमेंट या किसी भी अदर रीजन की वजह से जैसे भी करेंगे तो वहां पे एक अथॉरिटी लेटर जरूर होगा. ए पर्सन ऑथराइज बाय द रेजोल्यूशन, एक पर्सन जिसको आपने ऑथराइज किया किससे, रेजोल्यूशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम राइट एंड पावर्स इंक्लूडिंग राइट टू वोट बाय प्रोक्सी और बाय पोस्टल बैलेट. तो सेम लैंग्वेज लिखिए ना कि अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर प्रेसिडेंट ने किया था तो उसे डीम्ड मेंबर माना था और वह एंटाइटल था उन सारे राइट्स और पावर के लिए इंक्लूडिंग राइट टू वोट बाय प्रोक्सी पोस्टल बैलेट ऑन बिहाफ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट विच ही रिप्रेजेंटेटिव एज ए बॉडी कुड इट एक्सरसाइज इफ इट इज वर इंडिविजुअल मेंबर क्रिएटर. अगर बॉडी कॉर्पोरेट खुद क्या होती, इंडिविजुअल मेंबर होती, तो वो जो पावर एक्सरसाइज, वो जो राइट एक्सरसाइज वो कर सकती थी, वही सारे राइट एक्सरसाइज अब कौन कर सकता है, वो पर्सन जिसे आपने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है. ठीक है,